अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मल्टी कलर्ड बुटीक दुपट्टा जो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, इसलिए आज मैं आपको पुराने शेफून के दुपट्टों से खूबसूरत से दुपट्टा बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास पुराने शेफून के दुपट्टे नहीं हैं तो आप ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ता बन जाएगा इस तरह आपके साथ अगर आप खुद घर पर बनाएंगे। मुझे तकरीबन 4 कलर्स चाहिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल दुपट्टा अगर मैं मेजर करूँ तो आप अगर इसको बंद करके रखेंगे तो तकरीबन 8 ब्लॉक्स इसके अंदर बनेंगे। गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 ब्लॉक्स हमारे बन गए। इसकी विड्थ कर लेते हैं कि मुझे हर कपड़ा कितना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अब हम इसकी लेंथ भी देख लेंगे। तकरीबन लंबाई जो है, चौड़ाई जो है इसकी, दुपट्टे की जो विड्थ है वो आ जाएगी आपके पास 40 सेंटीमीटर लेंथ। ब्लॉक्स की लेंथ की बात करें, अब जो कलर्स मैंने यूज़ करने हैं, अब ये दुपट्टा जो है, अब ये शेफून का कपड़ा आपको 1.5 मीटर चाहिए। अगर आप ख़रीदते हैं तो शेफून का दुपट्टा 1.5 मीटर ख़रीद लीजिए। तो मैंने इस जो मैं 2 ब्लॉक्स लूँगी हर कपड़े के, मुझे उसकी विड्थ चाहिए होगी 10 सेंटीमीटर और लेंथ मैं देखूँगी, मेजर कर लूँगी, तो तकरीबन मैंने 40 सेंटीमीटर का कपड़ा ले लिया। इसी तरह आप और जितने भी शेफून के कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं कलर्स, आप इस तरह उनके 2-2 ब्लॉक्स जो है वो बना लें। 4 ब्लॉक्स डिफरेंट कलर के एक साइड पे आएंगे दुपट्टे के और 4 ब्लॉक्स डिफरेंट कलर के दूसरी साइड पे आएंगे। बड़ा सा खूबसूरत सा फैंसी सा दुपट्टा तैयार हो जाएगा। अब मैं पहले 4 डिफरेंट कलर्स को आपस में अटैच कर लूँगी। याद रखिए, जो स्टिचिंग मैंने करनी है वो मैंने फ्रंट साइड पर करनी है। मैं थोड़ी सी पाइपिंग की तरह इसकी स्टिचिंग कर लूँगी, आपस में इनको जोड़ दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह फोल्ड करके और मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ। पहले 4 डिफरेंट कलर्स को ज्वाइन कर लीजिए और ये फ्रंट साइड पे आपने करना है, ठीक है। जो नीट क्लीन साइड होती है, ऊपर वाली जो साइड होगी दुपट्टे की, वहाँ पर मैं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 4 इधर जोड़ लिए हैं, 4 मैंने दूसरी साइड पे जोड़ लिए हैं, ठीक है। ये मेरा दुपट्टा ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो गया। अब बीच में जो पाइपिंग आपने की है, आपने क्या करना है, आपने डोरी लेनी है, ठीक है। गोटे की डोरी मिलती है और जो ऊपर आपने पाइपिंग की थी उस पर आप ये सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं इनके बीच में आप डोरी लगा लीजिए। साइड्स हैं दुपट्टे की, उनको हम ये वाली डोरी यूज़ करके पाइपिंग करके आप चारों साइडों को इनसे कवर कर लेंगे।
और दोनों साइड्स जो हैं दुपट्टे की उसकी एक एक साइड पे आपने अटैच करना है। सुई धागे से सिंपल कर लीजिए, ठीक है। नीडल चाहिए होगी, टसल चाहिए होगा, और दोनों साइडों की एक एक साइड पे कीजिएगा। अगर इस साइड पे लेफ्ट पे करते हैं तो दूसरी साइड के राइट पे कीजिएगा। चारों साइडों पे टसल्स ना लगाइएगा, वो बहुत हैवी हो जाता है और वो इतना अच्छा भी नहीं लगता। तो जस्ट यूज टू टसल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द दुपट्टा। ऑलरेडी ऑल डन। वाइट कपड़ों के साथ भी बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। अगर वाइट ड्रेस है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, और भी आप कलर्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल जोड़े के साथ तो बहुत खूबसूरत लगेगा। मेहंदी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। रिसेंटली आपने सारा अली खान की शादी देखी होगी, उसमें भी उसने ये मेहंदी के दुपट्टे पे किया हुआ था, गरारा था साथ में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सस्ता बन जाएगा घर पे, वैसे बहुत महंगा मिलता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।